दिल्ली में गर्मी और जल संकट का डबल अटैक। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं दिल्लीवासी। टैंकर्स के जरिए की जा रही है पानी की आपूर्ति, तो पानी भरने के लिए लंबी लाइनों में लग रहे हैं लोग। कई इलाकों में टैंकर से भी नहीं हो पा रही है पानी की आपूर्ति। जल बोर्ड पाइपलाइनों की पुलिस कर रही है निगरानी। तो दिल्ली में फिलहाल जल संकट बरकरार है, पानी भरने के लिए लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं। कई लाइनों में टैंकर्स पहुंच रहा है कई इलाकों में, और देखिए तस्वीरें कुछ इस तरह की सामने निकल कर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर बूंद बूंद को मोहताज दिल्ली की जनता है। तो टैंकर्स के जरिए कई इलाकों में पानी की आपूर्ति हो रही है, पानी भरने के लिए लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, और कई इलाकों में टैंकर्स भी नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से त्राहिमाम दिल्ली में मचा हुआ है। जल बोर्ड पाइपलाइनों की पुलिस जो है वो निरीक्षण करते हुए, निगरानी करते हुए नजर आ रही है। तो दिल्ली की जनता पर इस वक्त डबल अटैक देखा जा रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी की मार, तो दूसरी तरफ पानी का संकट। ऐसे में त्राहिमाम करती हुई दिल्ली की जनता, और फिलहाल इस पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है दिल्ली के लोगों को।